Good morning, student. Today we are going to start the new topic. Our topic is measures of capacity. क्या टॉपिक है हमारा? Measures of capacity. अब measures of capacity का मीनिंग पहले आप समझिए. Measures यानी क्या करना है? Measure यानी उसे सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसका माप, उसको मापना है. Measures of capacity यानी अब इसमें capacity. अभी तक हमने किसका करा था? Mass का करा था. अब हम कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी मतलब किसी भी लिक्विड जो फॉर्म होता है, जो लिक्विड फॉर्म में कोई भी थिंग हुई उसको हम मेजर करके कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो कैपेसिटी यहाँ पर हम किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विड के लिए. तो लिक्विड में हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी होती है तो हम उसे कैसे मेजर करते हैं? लिक्विड में अगर हमें कोई चीज़ मेजर करनी है तो हम मेजरिंग वेसल से, यानी जो मेजरिंग वेसल्स होते हैं उनसे हम इस तरीके से आपके क्या होते हैं? मेजरिंग वेसल्स होते हैं. आपने देखा होगा ना, आप कभी ऑयल वगैरह लेने जाते हो पेरेंट्स के साथ में, तो ये मेजरिंग वेसल्स वहां यूज करते हैं. तो ये आपका है 1 लीटर, ये आपका है 1 लीटर का मेजरिंग वेसल. अब ये तो हो गया लीटर में. एक होती है इसकी क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं मिलीलीटर. क्या बोलते हैं? मिलीलीटर. तो ये तो 1 लीटर में आप मेजर कर रहे हैं. अब मिलीलीटर में कैसे मेजर करेंगे? 1 लीटर का जो बड़ा होगा तो मिलीलीटर का उससे थोड़ा छोटा होगा. ये आपका हो गया 1 लीटर का मेजरिंग कैसे, ये हो गया 500 मिलीलीटर का मेजरिंग वेसल. तो जो कैपेसिटी होती है वो हम किसके लिए मेजर करेंगे? ओनली लिक्विड थिंग्स के लिए. कैपेसिटी का यूज हम लिक्विड थिंग्स को मेजर करने के लिए करते हैं. लिक्विड थिंग्स यानी एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? ऑयल, मिल्क, केरोसिन, एसेक्टर. तो ये क्या है? इनको हम किसमें मेजर करेंगे? इनको हम लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं. कैरो सी एसेक्ट्रा. तो इनको हम लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं. सो स्टूडेंट, आपको ये दोनों डायग्राम आपकी नोटबुक में बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं. अब हम क्या करेंगे, इसके सम स्टार्ट करेंगे. तो उससे पहले देख लीजिए कि लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं. तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. ये क्या होती है? ये क्वांटिटी होती है इसकी. 1 लीटर की क्वांटिटी बता रहे हैं किसमें? मिलीलीटर में. तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो भी, जैसे ये वाला लीटर किसके लिए यूज करेंगे? ऑयल, मिल्क, केरोसिन, एसेट्रा के लिए. और मिलीलीटर का यूज हम कब करते हैं? मिलीलीटर के एग्जांपल्स हैं, मिलीलीटर के लिए है ये, और ये आपका लीटर के लिए है. तो मिलीलीटर के एग्जांपल्स हैं
स्मॉल क्वांटिटी को यानी कोई छोटी क्वांटिटी जो होती है उसे मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। जैसे स्मॉल क्वांटिटी में कौन कौन से आते हैं मिलीलीटर में, कोल्ड ड्रिंक हो गए हमारे, सिरप, मेजर्स ऑफ कैपेसिटी मतलब किसी को मापना, किसमें कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कोई भी लिक्विड थिंग जो होगी उसकी कैपेसिटी पता करने के लिए हम लीटर मिलीलीटर का यूज करते हैं। अब लीटर की बात करें तो लीटर में हम किस किस को मेजर करते हैं, ऑयल, मिल्क, केरोसिन एसेट्रा को, और मिलीलीटर लीटर में मतलब सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है उसे हम लीटर से मेजर करते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसे हम मिलीलीटर से मेजर करेंगे। तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं हमारे पास, ऑयल, मिल्क, केरोसिन, ये सब क्या है, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए हम इन्हें लीटर में मेजर करते हैं। और मिलीलीटर में कोल्ड ड्रिंक, सिरप, ये सब हमारे पास स्मॉल अमाउंट में, छोटे क्वांटिटी में होते हैं, कम क्षमता में होते हैं, इसलिए हम इन्हें मिलीलीटर में मेजर करते हैं। सो स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीड ऑफ क्लीन एंड हैंड राइटिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन प्री नेक्स्ट क्लासेस। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे जिसमें हम लीटर और मिलीलीटर का करेंगे, उसके बाद लीटर प्लस मिलीलीटर बोथ दोनों का करेंगे, पहले हम सेपरेट करेंगे। सो प्लीज कॉपी डाउन ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।